हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, सॉरी व्लॉग, दोनों चीज़ें। चलो अब मैं गुड मॉर्निंग, अब मैं कर रही हूँ सुबह के काम। तो आज ब्रेकफास्ट से ही हमारी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि मैं अभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। मेरे लिए कर रही थी कॉफ़ी प्रिपेयर, चिकू के लिए कर रही थी दूध, और चलिए अब ब्राउन ब्रेड भी अभी जस्ट मंगवाई है तो आ गई है, तो ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, उसको कर देती हूँ वॉश, यानी पैकेट को, बिकॉज कोविड का सीन वापस से स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए ब्राउन ब्रेड। ज्योति कल से आ रही है शॉप पर, और मैंने भी लिया था दो दिन का ऑफ, दो से तीन दिन का, बिकॉज मुझे थे पीरियड्स और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी छुट्टी ले जाए और आपको रेगुलर व्लॉग्स दिए जाए। हम दो वीडियो ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स क्या लेट जा रहे थे, मैं जल्दी चल रही थी, तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने तीन दिन व्लॉग नहीं किया और रेस्ट किया। तो अब आपके पास आएंगे रेगुलर व्लॉग्स, यानी जो मैं कर रही हूँ आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि जो मैं आज कर रही हूँ वो आपको पता चल रहा था तीन चार दिन के बाद, वो चीज़ नहीं होगी, तो इसीलिए हमने रेगुलर कर दिया है। आपने जैसे कि लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं जैसे ही ट्रैवल करके आई थी वो थकान वगैरह सब दिख रही थी, पर अब नहीं दिख रही होगी, अब हो चुके हैं हमारे चार दिन और मैं भी अब ठीक हो गई हूँ, मेरी भी तबीयत ठीक हो गई है। सो इसीलिए हम करेंगे अब डेली व्लॉगिंग, तो मज़ा आएगा काफ़ी, और आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और बताइए कि मुझे तो आपको मेरे जो ट्रैवल व्लॉग्स थे वो कैसे लगे। एक बार मैं कैमरा रूम में जाके रख देती हूँ और फिर मैं लेके आती हूँ मेरा मिल्क एंड ब्राउन ब्रेड। फिर मैं अभी ले रही हूँ मैं मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में है कॉफ़ी, जैसे कि हमेशा मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ और दूध मुझे प्लेन पसंद नहीं है, और ये है मेरी ब्रेड। और अभी चल रही है शुगर की मीटिंग, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है बोलने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से चल रही है तो अटेंड करनी भी ज़रूरी है, तो इसीलिए अब मैं आपको मिलूँगी खाना बनाने के टाइम। जो यू आई है हमारे घर, और अभी मैंने यू को करवाई है नाई नाई, तो अभी बन रहे हैं यू के बाल, क्योंकि आज वॉश हुए हैं ना, इसलिए अच्छे से ड्राई हो गए, तो फिर हम बाल बनाएंगे, है ना। हाँ, अरे भैया कैसे दिखाओ, भैया तो छुप ही गया, भैया यहाँ छुपा है, भैया कहाँ छुपा है, ये ना भैया दिखा दो, आपको आपकी चोटी कैसी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, अच्छे से बताओ ना, अच्छे से, अच्छे से अच्छी लग रही है। मैं ब्लैक खा ली हूँ। ये लो, तो गाइस ये है अभी नहीं लेना, तो गाइस ये है हमारी मोरवी, जो कि थोड़ी पागल है। देवा की आजेवा तो अभी बन रही है हमारी दाल, यानी तो हो चुकी है, अब बना देते हैं हमारे वेज पुलाव। और वेज पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई निकाल दी है, और वेज पुलाव मैं बनाने वाली हूँ घी के अंदर, क्योंकि घी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और टेस्ट भी अच्छा आता है। यहाँ पर ये हमारा घी गरम हो गया है, और इसके अंदर डाल देते हैं सारे ही मसाले। 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, गैस की फ्लेम लो कर दूँगी, ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाए थोड़ी, क्योंकि चावल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो सब्जियों को अच्छे से पका लेते हैं। यहाँ पर दाल भी हो रही है हमारे, बॉईल हो रही है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है, और हिया बोल के गई है रोटी बनाने, मैं खुद आऊँगी, तो ठीक है हिया को मैं बुला लेती हूँ, और फिर हिया रोटियाँ बनाएगी एक दो, उसको खुश कर देंगे रोटियाँ बनाने देने के लिए, फिर कल रात को उसको बनवाई थी तो उसको आया है मज़ा, तो इसलिए वो बोल रही थी। तो जैसे ही अब मैं थोड़ी देर के बाद चावल डालूंगी, तब पकी हुई सब्जियों के अंदर राइस, तो चलिए ये रहे राइस, अच्छे से भीग चुके हैं फिलहाल, तो अच्छे से भीग चुके हैं, और अभी इसके अंदर मैंने पानी लिया था 1 गिलास, पर इनफ तो नहीं होगा, जैसे ज़रूरत होगी वैसे डालूंगी। ये अच्छे से सेट हो गया हमारा वेज पुलाव, इसको पकने देते हैं फिर आपको इससे मिलाते हैं। बाय बाय फॉर 10 मिनट्स।
अभी हिया आने वाली है शॉप पर से, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था पापा को, तो पापा हिया को भी भेजेंगे और हिया और हम दोनों बनाने वाले हैं रोटी। सारी प्रिपरेशन करके रख दी है रोटी बनाने की, ताकि वो आके कोने में बैठ के रोटी बना सके। वो एक दो रोटी बनाएगी, खेलेगी और फिर मुझे ही बनानी है, तो उसको मज़ा आता है। कल रात को किया है तो उसको मज़ा आ रहा है इस सब चीज़ों में। वो आती है, देखते हैं कैसे करती है। तो कम ऑन फास्ट, रोटी बनानी है। कैसे भागती हुई आ रही है। हमारी रोटियां बन गई, ये कर दो। ये मैंने तो थाली बहुत बनाई। हाँ, उधर सारी बहुत सारी रोटियां बनाने की, तो आपको तो काम निकलना पड़ेगा। हाँ, लेके ही जाऊंगी बस। ओ बाप रे, ओ बाप रे, लो ना। चलिए अब हो गया खाना वगैरह सब कंप्लीट। बालों में करवाया है ऑयल, तो जाके एक बार तो करवाती हूँ हेयर वॉश, एंड फिर हमारे होंगे दूसरे काम। मैं आ चुकी हूँ सलून और अब होगा हेयर वॉश, तो ज्योति कर देगी अभी मेरा हेयर वॉश। आज मैंने बनाई थी चोटी, तो चलिए इस चोटी को करते हैं बाय बाय और बाल धो देते हैं। मास्क उतार देते हैं क्योंकि गीला हो जाएगा, और हम चलते हैं पीछे। हेयर वॉश किया, इसके बाद बाल सूख भी गए क्योंकि मैं आपको बता ही नहीं पाई, इसके बाद जस्ट बैक टू बैक कस्टमर्स थे और अभी हम फ्री हुए हैं। अभी बज रही हैं 5:30, फ्री अभी जस्ट हुए हैं। और मैं कर रही थी मेरे नेल्स को फाइल, क्योंकि अभी मैंने फाइनली सोच लिया कि मेरे नाखून मैं दोनों हाथों के बड़े करूँगी। दोनों हाथों के हो भी गए, पर काम करते समय कुछ टूट भी जाते हैं, तो उनको अच्छे से मेंटेन रखने के लिए फाइल करते रहना चाहिए, तो फाइल करनी है। अब सोच रही हूँ नेल पेंट लगवा देती हूँ अच्छी। अब क्या पता मुझे क्या शौक आ रहा है, ग्लिटर ही लगाने की इच्छा हो रही है। हाथों पर भी ग्लिटर लगाने का सोच रही हूँ, तो आई थिंक मैं पहले लगाऊंगी ग्रे कलर, फिर लगाऊंगी ग्लिटर, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। अब नेल्स इतने बड़े नहीं है, मैं सोच रही हूँ अब अगर मुझे उदयपुर अब मैं जाऊँगी ना, तो मैं नेल एक्सटेंशन तो क्या, मैं स्पेशल नेल पेंट लगवा दूँगी। मेरी नेल पेंट्स लग चुकी है, एक उंगली में लगाई सिल्वर और बाकी उंगलियों में मैंने लगाई पिंक, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। न्यू एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं, क्योंकि नेल्स कर रही हूँ बड़े, इसलिए थोड़े दिनों में और चेंज कर देंगे अगर ये लग जाएगी तो। और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि हिया ना है घर पे और उनको लग गई होगी भूख, तो अब जाती हूँ और उनके लिए मिल्क वगैरह बना देती हूँ। और अभी बज गई है 5, तो चले जाते हैं घर पे और चलते हैं। मम्मी भी नहीं है आज, मम्मी गए हैं नाना जी के घर। तो गाइज हम आ चुके हैं घर पर और लैला वहाँ पर सोई है, चिकू चले गए हैं गाड़ी लेके, क्योंकि मैं इनको शूट करी थी। तो चलिए घर पर, हमारे बने राजा क्या कर रहे हैं दोनों। आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर टिक्का, तो क्योंकि बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मुझे भी खाने की इच्छा थी, चिकू की डाइट में भी पनीर टिक्का है, तो क्यों ना सबके लिए यही बनाया जाए। तो मैं भी कर रही हूँ तैयारी, तो आप भी देखिए, और कुछ रेसिपी तो शायद ही बताऊँगी, पर जो कर रही हूँ वो देख लो, अगर अच्छा लगे तो बनाना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कैसा बनता है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ बाउल, मैं करती हूँ मैरिनेशन, बनाती हूँ इसी में। दही हमारे पास 2 पैकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें फुल फैट क्रीम वाला दही चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दूसरा पैकेट खोलूँगी, बाकी नहीं तो हमारा एक में ही काम हो जाएगा। जीरे का पाउडर यहाँ तक आ जाओ, देखने में भी आपको आसानी रहेगी। जीरे का पाउडर मैंने फुल डाला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जीरे का पाउडर, हालांकि मुझे किसी भी चीज़ में अगर जीरा पड़ रहा है तो उसका टेस्ट तो डबल हो जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं इसके अंदर। अब बेसन ले रही हूँ मैं, बेसन थोड़ा सा भून लेती हूँ, वैसे तो हम पकाने वाले हैं पर बेसन भुना हुआ इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम धीमी आंच पे इसको पकने दूंगी, सबसे पहले मिक्स कर देती हूँ। धनिया पाउडर भी ले लेते हैं, थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। अभी मिक्स किया है मैंने चाट मसाला,
यहाँ पे कट रहे हैं वेजिटेबल्स। प्याज कितना है? हाँ ठीक है, राइट। हैंड वॉश करके आ बेटा। सब्जियां सारी मैरिनेशन में जा चुकी है बेटा, आप मत हिलाओ, मैं हिला रही हूँ यहाँ से। अब पनीर जाएगा, पनीर होगा कट, फिर जाएगा। ये नीचे मत रखो, यू तो कर रखो, मेरे को भी करने दो ना थोड़ा सा। नहीं ये तो कच्चा कच्चा मेरे को नहीं पता। नहीं कुछ भी, यानी मैरिनेशन का वो टेस्ट करो। गोरन से देखो, गोरन नाक में चढ़ गया, मस्त आ रही है इसमें। आई मतलब एक नंबर है, क्या बोलूं, देश की स्मेल आ रही है। हां देश की। ये हो गया हमारा मैरिनेशन कंप्लीट रेडी, और खुशबू में और स्वाद में इतना टेस्टी लग रहा है। अब पका के देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि हिया एक्साइटेड है, चिको एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइप से यानी ये पूरा रेस्टोरेंट टाइप का बनाने की कोशिश करी। अगर कंप्लीट बनता है तो मज़ा आ जाएगा। सोचा कि पनीर टिक्का बन रहा है तो साथ में चटनी भी क्यों ना बनाई जाए, क्योंकि चटनी के बगैर तो पनीर टिक्का है वो अधूरा है। तो अभी बना रही हूँ मैं पुदीना की चटनी, तो मैं बताती हूँ क्या क्या डालूँगी। ये लिया है मैंने दही, सॉरी मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। दही लिया है, यह है पुदीना, ये है धनिया, धनिया शायद और चाहिए है, थोड़ा और ले लेती हूँ। एक नींबू का रस भी चाहिएगा इसलिए। इतनी टेस्टी बनी है, मज़ा आ गया। दो तीन फ्राई पैन रख दो, दो रख दो। ठीक है, छोटा दे। ये हमारा है पनीर टिक्के का मैरिनेशन, अब बन रहे हैं पनीर टिक्के। हमारे पास स्टिक्स नहीं है इसलिए हम बना रहे हैं फ्राई पैन में, देसी तरीके, देसी तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी देसी हैं। अपनी सर्विंग बताऊं पनीर पनीर टिक्का की, ये हमारी है पनीर टिक्का की सर्विंग, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी बनाना, मैंने आपको रेसिपी भी बताई है। ये हो गई है हमारी प्लेटिंग, और मम्मी पापा को मैं सर्व करने जा रही हूँ। अब मिलते हैं आपसे खाते समय। मैं तो बनते बनते ही खा रही हूँ और सबको सर्व भी कर रही हूँ साथ साथ में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मज़ा आ गया। चिकू ने खा लिया है, चिकू को चले गए रूम में, उन्होंने की मेरी थोड़ी सी हेल्प, क्योंकि सर्व करना और ये पकाना सब एक साथ नहीं हो सकता है इसलिए। अभी बना रहे हैं हम, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बरी, और ये मम्मी बना रहे हैं। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो फर्स्ट में जो दूध गाय देती है उसका ये बनता है, तो ये दूध कुछ इस प्रकार का दिखता है, पीला, और इसके अंदर मम्मी ने शक्कर घोल दी है। अब इसको बनाएंगे इडली के कुकर में, क्योंकि ये पूरा अच्छा खमंड जैसा जम जाता है। ये आ गया है हमारा बरा, बोलते हैं इसको बरी, बरा जो भी बोलो वो। जैसे कि आज सुबह मैंने बोला था, यानी मेरे इसी व्लॉग में मैंने सुबह बोला था कि मैं दूध की बनी हुई चीज़ें भले ही खा लूँगी, पर चाय पीती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ, दूध कोरा नहीं पीती हूँ। वैसे इसका भी दूध जमा हुआ नहीं खाऊँगी, मैं कभी खाती नहीं हूँ, पर अच्छा लगता है, कहते फिर मेरे को नहीं खाना है। चिकू मेरे को बार बार चैलेंज कर रहे, पता क्या खाया हो तो, पर मेरे को खाना ही नहीं है। ठीक है, तुम खा लो,
चलो इसी के साथ मैं कर रही हूँ अब व्लॉग का एंड, और बस अब जल्दी से सो जाती हूँ, थोड़ा रूटीन अब अच्छा करूँ करने का सोच रही हूँ, क्योंकि सब हो गया, घूम फिर लिया। और एक और चीज़, चिकू का बर्थडे आ रहा है इस मंथ में, कुछ प्लानिंग करने का मैं सोच रही हूँ, देखते हैं क्या प्लान होता है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय।